नमस्कार दोस्तों, वेटिव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो पशुपालक इसे पशुओं की कई तरह की बीमारियों में इस प्रोडक्ट को काम में ले सकते हैं। यह प्रोडक्ट सस्ता है व अच्छी कंपनी का है एवं यह पशुओं को देने में भी आसान है। कई बार पशुओं के अडर या गादी में फाइब्रोसिस हो जाता है या फिर थन कट पड़ जाते हैं या फिर पशु की बॉडी पर कहीं भी गहरा व हल्का घाव हो जाता है या कोई सर्जिकल घाव हो या कोई टिक व मक्खी मच्छर के काटने का घाव हो इत्यादि घावों को सही समय पर उपचार नहीं होता है तो ये घाव काफ़ी गहरे हो जाते हैं तथा इसे पशुपालक को किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए काफ़ी पैसे व समय की जरूरत होती है जिसे वह सही समय पर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए यह प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता है व बिना किसी डॉक्टर के पशुपालक इस प्रोडक्ट को काम में ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट के काफ़ी फायदे हैं जो निम्न बीमारियों में काम करेगा। मादा पशु की गादी या अडर में फाइब्रोसिस होने पर इस टेबलेट को देने से काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। जब किसी मादा पशु के टीट या थन में कोई गहरा घाव या कट फट जाने पर इस टेबलेट को देने से घाव जल्दी ठीक हो जाएगा या जब किसी पशु के खुरों में गहरा घाव हो तो इस टेबलेट को देने से घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। यह समस्या अधिकतर भेड़ पालकों को बरसात के मौसम में भेड़ों में अधिक होती है। इसमें भेड़ों के खुरों में गहरे घाव बन जाते हैं तथा कभी कभी तो उन खुरों में कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इस टेबलेट को देने से घाव काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे तथा पशु की बॉडी पर कहीं भी किसी प्रकार का घाव, चाहे मक्खी मच्छर के काटने का घाव या सर्जिकल घाव, इस टेबलेट को देने से घाव जल्दी ठीक हो जाएगा तथा इस टेबलेट को देने में से घाव पर सूजन व अन्य प्रकार की सूजन भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, इस टेबलेट का नाम है टिसुएड जो जाइडस कंपनी की है। इस टेबलेट को देने का तरीका, यह टेबलेट बड़े पशु को 3 टेबलेट देनी है, दिन में 2 बार 3 से 5 दिन तक देनी है तथा छोटे पशु को 1 टेबलेट देनी है, दिन में 2 बार 3 से 5 दिन तक देनी है या फिर आवश्यकता अनुसार। तो दोस्तों, यह प्रोडक्ट आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइए तथा अच्छा लगा हो तो अन्य पशुपालक भाइयों को यह वीडियो जरूर शेयर करें जिससे किसी का भला हो सके। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए सभी पशुपालक भाइयों व अन्य मेरे प्रिय दोस्तों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद जी।